आधार कार्ड में वर्चुअल आईडी यानी वीआईडी, जी हाँ, 1 मार्च से ये सेवा चालू किया जाएगा। तब आपको आधार नंबर देने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद ही एक 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी यानी कि एक टेम्पोररी नंबर 16 डिजिट का आप क्रिएट करके या फिर उदय की तरफ से दिया जाएगा, पता नहीं, क्लियर नहीं है, तो आप दे सकते हैं। तो आपको देखिए आधार नंबर देने की जरूरत नहीं होगी, इसका मतलब ये हुआ कि आपका आधार नंबर देने की जरूरत नहीं, सेफ रहेगा आपका आधार नंबर, जो भी जानकारी है आपका आधार के साथ, आपका प्राइवेसी सेफ रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए आधार के साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई थी, जैसे कि आपके बारे में पूरी जानकारी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेसेस, फोन नंबर्स वगैरह वगैरह। तो इसके चलते आधार ने इस तरह का कदम उठाया है, बहुत ही बढ़िया कदम है। देखते हैं आगे जाकर क्या होता है, किस तरह से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा आधार के साथ और भी बहुत ही सेंसिटिव, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट, LPG, मोबाइल नंबर और जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज से, मतलब सब कुछ आपका आधार के साथ लिंक किया गया था। तो इस वजह से देखिए आधार नंबर का मिसयूज तो होना ही था एक दिन। और इसके चलते उदय ने यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी क्रिएट करने का एक सुविधा देने जा रहा है, जो 1 मार्च से शुरू होगा, ताकि आपका जो प्राइवेसी सेफ रहे, ठीक है। और वर्चुअल आईडी किस तरह से क्रिएट करना है वो क्लियर नहीं है, कि आप अपने फोन से क्रिएट कर पाओगे या फिर UIDAI ने क्रिएट करके देगा, क्लियर नहीं है। जैसे ही समय आएगा मैं एक दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही सिस्टम चालू होगा 1 वीडियो मेरा होगा, और बने रहे हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।